तो ये एक्सटेंट ऑफ करेक्शन मतलब गिरावट की मात्रा कितनी रहेगी, कहाँ तक जाएगा अगर इंडेक्स के लेवल पे बात करें, या थोड़ा ब्रॉडर सेंस में बात करें तो स्टॉक्स हमें यहाँ से कितने परसेंट सस्ते मिल सकते हैं? गिरावट शायद बहुत ज्यादा नहीं हो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ क्रैश। तो जो गिरावट होगी, आई मीन माय एक्सपेक्टेशन इज ऑन निफ्टी, यहाँ से शायद और 1,000 पॉइंट गिर सकता है। इनफैक्ट लुकिंग एट लेवल्स ऑफ 16,000, द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कुड बी अबाउट 15,000, 15,200 लेवल्स जो हम लोगों ने रिसेंटली देखा था। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी विच इज देयर, आई मीन दैट विल कम इन एट एवरी लेवल। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउनसाइड इज 15,000, बट एट 16,000 लेवल्स आई विल बी अ बायर। जी, तो अमरीश, अब जब गिरावट की मात्रा बहुत नहीं रहने वाली है, इवन स्टॉक्स में आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ क्रैश नहीं होने वाला है, और ये गिरावट का कमज़ोरी का दौर 3-4 महीने चल सकता है, लेकिन कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं मार्केट में कि हाँ एब्सोल्युटली गिरावट आएगी ही आएगी या नहीं आएगी, या क्या पता, मतलब आज हम सोच रहे हैं कि शायद गिरावट सीमित रहेगी, हो सकता है कोई बड़ी गिरावट हो भी जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आज का अनुमान ये है कि गिरावट सीमित रहेगी, 3-4 महीने चलेगी, तो फिर अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा आगे का है, 3 साल 5 साल आगे की आप सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आप पैसे लगा रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपने 16,000 के निफ्टी पे खरीदा है, या 17,000 के निफ्टी पे खरीदा है, या 15,000 का निफ्टी आपको मिल गया है? 3 साल 5 साल बाद आपको परसेंटेज रिटर्न में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आपने 15 पे लिया है, 16 पे लिया है, या 17 पर लिया है। राजीव, ये तो एकदम बरोबर बात किया आपने। एग्जैक्ट, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। इनफैक्ट यू शुड नॉट रियली बॉदर कि यहाँ से 5% नीचे या 15% नीचे है, जब हम लोग का लार्जर पिक्चर नेक्स्ट 5-10 साल का है। पर दिस इज फाइन एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। मैं यदि यदि मेरा पैसा लगा रहा हूँ, देन इट्स फाइन। आई डोंट बॉदर कि यहाँ से 5% नीचे जाए या 20% नीचे जाए, जब तक मुझे पता है कि आगे जाके मुझे ये शायद मल्टी बैगर भी दे सकता है। बट वेन यू आर एडवाइजिंग क्लाइंट्स, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। क्योंकि यदि नेक्स्ट 3-4 महीने यदि मार्केट नीचे रहता है या 6 महीने मार्केट नीचे रहता है, और जो भी आप एडवाइज कर रहे हो वो यदि यहाँ से 15-20% नीचे आता है, देन इनफैक्ट द इन्वेस्टर्स गेट पैनिक्ड। यदि यहाँ से 17,000 में आपने कुछ लिया और यदि मार्केट 15,000 जाता है, देन मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट पैनिकिंग। सो एज एन एडवाइजर मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि यू शुड एटलीस्ट हैव सम कैश इन हैंड। करेंटली हम लोग करीब 30% कैश पे है। जो मैंने बताया है कि ये 30% कैश कैन बी इन्वेस्टेड, आई मीन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग व्हेन यू सी स्लाइटली मोर ऑफ अ करेक्शन फ्रॉम हियर। करीब 16,000 के आसपास मैं बोल रहा हूँ कि पूरा ये जो 30% कैश है ये इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि वहाँ से नीचे जाता है, बिकॉज ही अगेन यू कैन नॉट बी श्योर कि ये 16,000 जाके वहाँ से बाउंस बैक करेगा। पॉसिबल है कि 15,000 जा सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट। सो यू शुड हैव योर स्ट्रैटेजी राइट। तो स्ट्रैटेजी जो होगा कि वंस यू हैव इन्वेस्टेड 30% एंड इनकेस द मार्केट गोज ऑन फर्दर, जो आपका डेट पोर्टफोलियो है, यदि आपका फिक्स डिपॉजिट्स है, आई मीन आई वुड श्योरली से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव इन्वेस्टेड, वी हैव टेकन मनी आउट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टेड इन इक्विटी। और जब भी बाउंस जी बैक होता है, हम लोग पहले वो निकाल के फिर से फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। तो जो 15,000 से 16, 16.5, 17,000 का जो हम लोग को बाउंस मिलता है, दैट इज गुड जी, इनफ टू टेक केयर ऑफ मोर देन द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपका बैंक मैनेजर आपसे बहुत परेशान नहीं रहता है? बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं एफडी कराने तोड़वाने, और बड़ा छोटा छोटा करवाते होंगे, मतलब कितने 15 दिन का करवाते हैं, 30 दिन का, उसमें तो बहुत इंटरेस्ट भी नहीं मिलता होगा। नहीं, इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को बहुत कम मिल रहा है। लास्ट 2 साल में देखिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी केवल एक ही बार मिला है। अभी रिसेंटली जब व्हेन द मार्केट हैड गॉन टू 15,000, इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग 15,000, तो उसके आसपास गया था। फिर भी जिन्होंने आई मीन फुली इन्वेस्ट किया था, मैंने उनको बोला था कि आई थिंक दिस इज द टाइम टू पुट इन योर डेट मनी। एफडी और तोड़ जो के बाउंस पैसा लगाना है। हाँ और जो बाउंस बैक मिला हम लोग को 17,000 के ऊपर, आई मीन क्लोजर टू 18,000, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग 16,500, मैक्सिमम 17,000। तो उस वक्त हम लोग ने व्हाटएवर एक्सेस वी हैड इन्वेस्टेड, वी विथड्रू दैट एंड पुट इट बैक इनटू एफडी।